इसको एब्रेसिव डिस्क कहते हैं। ठीक है, ये इंडियन रेलवे की जो ये है इसमें 400 का डाया है, ये घसी हुई है, 400 का डाया है, 4 mm की थिंकनेस है और 22.2 का बोर है, 22.2। ठीक है, 400 × 4 mm × 22.2 ये इंडियन रेल यूज़ करता है जनरली। एक देश में इंडियन रेलवे कहता है कि 7 तक होने चाहिए, लेकिन 7 होते नहीं है, हार्डली 2 या 3 तक हो सकते हैं, 4 अगर आपके पास आपका अच्छा है और आपकी रेल फ्री है तो। लाइन में लगी हुई रेल को स्ट्रेस रहता है, इसकी वजह से ये कट नहीं होता, लेकिन फ्री रेल है, बाहर आप कट करवा रहे हैं, एक एंडेड फ्री है तो इजीली आपके 4 हो सकते हैं, या मैं तो पकड़ता हूँ 2 या 3 ही होते हैं सही तरीके से, क्योंकि ये बाद में घिसा जाता है, फिर उल्टा करके पलटी करके लगाते हैं। तो ये पार्ट आपको समझ में आया, ए पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया बी पार्ट। यहाँ से क्लैंप लगाया जाता है, ये 2 डंडी रहती है, एक डंडी यहाँ रहती है, एक डंडी यहाँ रहती है, और ये बाद में इसके ऊपर ये मेंटेन करता है। ठीक है, जनरली ये है टंकी। अभी इंजन के पार्ट्स कौन से रहते हैं, जैसे आपकी गाड़ी के लिए पार्ट रहते हैं, फ्यूल की टंकी रहती है, पेट्रोल की टंकी है, देन ये साइलेंसर है, देन ये है एयर फिल्टर है, ये है स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग कार्बोरेटर, कभी भी एयर फिल्टर के नीचे कार्बोरेटर है, यहाँ के अंदर कार्बोरेटर है। ठीक है, ये बैरल असेंबलीज है, ये स्पार्क प्लग है, ये कैप ऑफ स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग है, ये सब ये स्पार्क प्लग है। ठीक है, अभी आपका खराब होने का जो है मशीन स्टार्ट ही आपकी होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलनी हुई मशीन अगर खराब हो गई आपकी तो स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ सकता है, तो कीप स्पार्क प्लग आपके पास, 2-4 स्पार्क प्लग आपके पास होना, दूसरा जाता ना स्पार्क प्लग होना जरूरी है। देन आपको अगर एयर फिल्टर इसका साफ हर 15 दिनों में, हर रोज मैन्युफैक्चरर क्या कहता है, हर रोज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें इंजन ऑयल भी यूज़ किया जाता है, तो अंदर जो भी मूविंग पार्ट्स है वह मूविंग पार्ट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए, अंदर जो उनकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और वियर एंड टियर जो होने वाले हैं एक दूसरे से चलते समय उसको कम करने के लिए, एंड कूलिंग एजेंट, एक कूलिंग एजेंट के जैसा काम करेगी, ये सब काम होते समय क्या होगा, एक दूसरे से जब ये पिस्टन विस्टन रिंग चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मेटल एक्सपांड होना चालू कर देता है, आपको तो मालूम है ना, और एक्सपांड होने के बाद में अगर एक दूसरे के बीच में उतना ये नहीं रहेगा, ऑयल नहीं रहेगा तो क्या करता है। ठीक है, तो ये इसका स्पार्क प्लग है, रियल एब्रेसिव कटिंग में स्पार्क प्लग, लॉन्ग थ्रेडेड स्पार्क प्लग यूज किया जाता है, कौन सा है स्पार्क प्लग, ये लॉन्ग थ्रेडेड है, लेकिन जनरल मशीनों के लिए लॉन्ग थ्रेडेड स्पार्क प्लग यूज नहीं किया जाता। ठीक है, मसाल तो ये जनरली क्या होता है, अगर ये स्पार्क प्लग आपका खराब हुआ या आपको स्पार्क नहीं आ रहा है तो इसको कपड़े से पोंछना है, देन ये जनरली ये है शॉर्ट थ्रेडेड स्पार्क प्लग। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है, अगर ये स्पार्क प्लग ही मालूम नहीं है लोगों को तो क्या हो जाता है, जनरली ये स्पार्क प्लग इसमें लगा दिया जाता है। अभी देखो, अगर आपको ये मालूम ही नहीं है और लेकिन ऑपरेटर को मालूम है, ये स्पार्क प्लग से मशीन नहीं उठेगी, ये डाल दिया कर दिया कि इसको नीचे वाले से गैप ही नहीं देता जनरली, और इसको भी मैंने डाल दिया तो भी ये मशीन चालू होने वाली नहीं है। सो
सफिशिएंट गैप उसमें होना ही चाहिए। अगर ज़्यादा गैप है तो भी मशीन चालू नहीं होगी, या चालू होगी ज़्यादा गैप में लेकिन आवाज़ क्या फाड़ 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 जो बुलेट बुलेट का आवाज़ आता है ना, वैसा आवाज़ आएगा तो आपको लगेगा मशीन में कुछ देर तो। और अगर इसको दबा के रखो तो भी चालू वाला स्पार्क भी आपकी मशीन में चालू नहीं होता। ये कुछ बेसिक चीज़ें ऑपरेटर्स लोगों को मालूम होती है और ये